दोस्तों ऑनलाइन पैसा कमाने को लेकर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे YouTube, ब्लॉगिंग, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड। तो ये सब क्या है दोस्तों, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपने किसी गोल को डिसाइड किया है, आपका कोई प्लानिंग है कि मुझे इन फ्यूचर ये चीज़ को करना है, ठीक है, आपका ये प्लान बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे YouTube करना है या ब्लॉगिंग करना है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या फिर कोई भी आपने एक ड्रीम को देखा हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उसको अचीवमेंट करना है, तो बहुत ही बढ़िया है कि आप उस गोल को लेकर आगे बढ़िए एंड आई होप कि आप उसे बिल्कुल भी पा लें। बट एक चीज़ है दोस्तों जो आपके विजन को, आपके गोल को अचीव करने से डिस्ट्रैक्ट करता है, वो है दोस्तों फियर, डर, कि मैंने जो गोल को डिसाइड किया है या फिर मैंने जो ड्रीम्स देखा है, क्या वाकई में उस चीज़ को हम पा सकेंगे, उसको गेट कर सकेंगे। एंड दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर होता है वो है इकोनॉमिकल। जब आप एक अर्ली एज पे होते हैं तो इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा समझिए कि इम्पोर्टेंस रोल होता है। आप पे एक जिम्मेदारी होती है कि या तो आप अपने फैमिली को डेडिकेट करिए या उस एज में आप बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने होम से या फिर और भी किसी अदर सोर्सेस से। तो ऑप्शन ये होता है कि वहाँ पर या तो आप कुछ पार्ट टाइम कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट टाइम जॉब होता है उसको हम लोग कर सकते हैं, और समझिए ये एक ट्रेडिशनल नहीं है, अभी भी चलता है, लेकिन इससे भी अगर हम बेस्ट माने तो बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन पे बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म जो है आ चुका है। क्योंकि ऑनलाइन में दोस्तों है क्या कि टाइम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, एंड टाइम को मैनेज कर लेना, जॉब के साथ साथ आपने आपका टाइम जो है वो सेव हो जा रहा है एंड उस टाइम को अपने गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो रास्ता जो है एंड सक्सेस होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाएं, इसको लेकर तो बहुत सारा वीडियो है, मैंने भी ब्लॉगिंग का, विक्स का ट्यूटोरियल्स, इस तरह से कई सारे वीडियो हमने अपलोड किया है एंड अदर सोर्सेस पे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट एज ए पार्ट टाइम के थ्रू इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म पार्ट टाइम के लिए सबसे बेस्ट है, तो दोस्तों वैसे तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट, ये मेरा व्यू है, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है दोस्तों वो है YouTube। YouTube पे क्या है दोस्तों कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करना है एंड सिंपल क्या है कि आपको जो आता हो या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसका आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप कुछ सिखा सकते हैं आपको जो भी आता हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5 घंटा 6 घंटा देना है, 2 घंटा आधा घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है, 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो को आप कर सकते हैं डिलीवर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू। तो फ्रेंड्स, YouTube पर जो आप कंटेंट को बनाइएगा, ये आपके एक्सपीरियंस या फिर ये जो स्किल्स है ये आपके पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ से समझिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और समझिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अपने आप को प्रेजेंट करने का जो एक्सपीरियंस है ये भी एक कला है और इसको भी इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन उस चीज़ को हम अगर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जो सेकेंड पर्सन है वो हमको एग्जामिन नहीं कर पाएगा, हमको ठीक से जज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो भी मेरे पास स्किल्स है उसको बढ़िया से प्रेजेंट करने आना चाहिए और मुझे लगता है कि YouTube जो है इसके लिए बेस्ट है। अपने ही स्किल्स को शेयर करके और वहाँ पे अपने आप के अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं और जो भी वीडियो या फिर जो भी कंटेंट को आप डिलीवर करेंगे तो इनफेक्ट धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वीडियो जो है वो चलेगा। इनफेक्ट यहाँ पे टाइम तो लगेगा कुछ और यहाँ पर वीडियो आपका चलेगा और कुछ कंडीशन है YouTube के वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए, जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का इन्होंने एक कंडीशन को अप्लाई किया हुआ है और ये बहुत बड़ा समझिए कि कंडीशन नहीं है। आप पे उस वीडियो को मोनेटाइज करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम के थ्रू, और जो आपका गोल है उस पर कॉन्स्टिटेंसी आप पे वर्क भी कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन हम लोग काम कर सकते हैं वो है दोस्तों ब्लॉगिंग। ब्लॉग्स लिखकर
कोई आर्टिकल लिखकर वहाँ से भी हम लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम। लेकिन ब्लॉगिंग में है क्या दोस्तों कि यूट्यूब से ज़्यादा वहाँ पर टाइम जो है लग सकता है, ये डिसाइडेड नहीं है कि YouTube से ज़्यादा ही लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई ब्लॉग भी हो जाता है वायरल, तो उसे भी हम मोनेटाइज करके और वहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। और समझिए इसको आप बैकअप प्लान के भी तरह देख सकते हैं, ठीक है ना। बैकअप प्लान इसलिए क्योंकि अगर मैंने किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक मैंने डिसाइड किया हुआ है, तो ये 100% नहीं है, वैसे तो ये डिसाइड करके चलना है एंड ये ठान कर चलना है कि मुझे उसको क्लिक करना ही करना है। बट यहाँ पर क्या है, 100% नहीं होता है कि उस चीज़ को हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा गाइडलाइन भी होता है, जैसे एज वाइज हो गया या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 100% नहीं होता है कि वहाँ पर उस चीज़ को हम गेट कर लें, तो उसके बाद जो है बैकअप प्लान होना चाहिए। आप कहीं पे काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, ऑफलाइन मैं बता रहा हूँ, फिजिकल आप जाके कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ तो है कि आपको एक्सपीरियंस तो आएगा, बट एक समझिए जो बैकअप जो होता है, एक बैकअप प्लान जो है वो नहीं हो पाएगा क्रिएट। और ये ऑप्शन आपको मिलता है ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे, ब्लॉगिंग पे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे ही हो लेकिन यहाँ पे आपका ग्रोथ होता है, जेन्युइन ग्रोथ होता है। और मैं भी यहाँ पर क्या हूँ, यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे मैं वेबसाइट को लेकर, ब्लॉगिंग को लेकर, चाहे वो यूट्यूब को लेकर, ऑनलाइन अर्निंग को लेकर, मैं जो भी उससे सीखता हूँ या मैं जो भी काम करता हूँ उससे जो मुझे एक्सपीरियंस आता है, जो मैं लोगों को सुनता हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही रेगुलर वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, और लेकिन फिर भी क्या है कि रिसेंटली हमने 5000 हम लोगों ने बोलिए एक YouTube का समझिए एक फैमिली होता है, तो पूरा ये फैमिली ने 5000 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट भी किया है, क्रॉस भी किया है। ये बहुत बड़ा तो नंबर नहीं है, 5000 तो समझिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है, ये जितना मैं करता हूँ मुझे लगता है कि इसके अकॉर्डिंग टू बेस्ट है और बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स बस ये एक इन्फॉर्मेशन था कि एज ए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है, इसको लेके मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।